हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फूड सीरीज़ में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं हरे चने की बर्फ़ी, जिसको मैंने बड़े ही आसान तरीके से बनाया है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 100 ग्राम जितने हरे चने लिए हैं, 100 ग्राम जितना ही मावा लिया है, 100 ग्राम जितनी पीसी हुई चीनी ली है, 5 से 6 बारीक इलायची पीसी हुई ली है, आधी कटोरी जितनी मैंने काजू और बादाम लिए हैं और आधी कटोरी जितना मैंने घी लिया है। फ्रेंड्स, इन हरे चनों को मैंने 2 बार अच्छे से पानी में धो लिया था। अब इसका हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे जार में और इसे हम मिक्सर में अच्छे से पीस लेंगे। ये हमारा बारीक पेस्ट तैयार है। अब इसे हम एक छोटी कटोरी में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम हल्का सा ही पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी भी इतनी ही रखेंगे। इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी बर्फ़ी ख़राब हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम एक पैन लेंगे जिसमें हम आधी कटोरी जितना घी ऐड कर देंगे। घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम हरे चने का ये जो पेस्ट हमने तैयार किया है उसे ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, हमें गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखना है और इसे अच्छी तरह मिक्स करते रहना है, बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, हम हरे चने को अच्छी तरह से घी में सेकते रहेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसे लगातार चलाते रहना है, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। घी और पेस्ट अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, इसे हमें 5 से 6 मिनट तक सेकते रहना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसका कलर अच्छा लग रहा है, इसमें हमने बिल्कुल भी कलर ऐड नहीं करा है। फ्रेंड्स, हमारा जो चने का जो पेस्ट है वो घी में अच्छी तरह से मिल चुका है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि घी और पेस्ट दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं और हमारी जो बर्फी है वो धीरे धीरे जमने भी लगी है। तो इसमें हम अब ऐड कर देंगे पीसी हुई चीनी। फ्रेंड्स, ये 100 ग्राम जितनी चीनी मैंने ली है इसे हम ऐड कर देंगे। इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेक लेंगे। इसे हम 5 से 6 मिनट तक हल्के हाथों से अच्छी तरह पकाते रहेंगे। फ्रेंड्स, इसको हमें बीच बीच में चलाते ही रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसका कलर डार्क हो गया है अब धीरे धीरे। अब इसमें हम काजू ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, इसे हमने बारीक कट कर लिया था और साथ ही हम इसमें पीसी हुई इलायची भी ऐड कर देंगे। और अब इन सभी को हम 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाते रहेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी बर्फ़ी का कलर कितना अच्छा लग रहा है। इसे हम हल्के हाथों से हिलाते रहेंगे। अब ऐड करेंगे मावा। फ्रेंड्स, हमने ये बारीक कर लिया है। अब इस खोया को हम बर्फ़ी के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक सेकते रहेंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं तो इसे हम 1 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अब हम एक छोटी स्टील की या फिर एल्युमिनियम की प्लेट लेंगे जिस पे हम आधा टीस्पून जितना घी ऐड करेंगे और इसे पूरी प्लेट पर फैला देंगे। अब इसमें हम हमारी जो पैन में रखी हुई गरम-गरम बर्फ़ी है वो ऐड कर देंगे और इसे बड़े ही हल्के हाथों से पूरी थाली पर फैला देंगे। फ्रेंड्स, हमें हमारी जो बर्फ़ी है वो गरम-गरम ही ऐड कर देनी है और इसे 1.5 घंटे के लिए खुली हवा में रख देंगे। फ्रेंड्स, इस बर्फ़ी को हम स्क्वायर शेप में थोड़ा रख देंगे। अब इसे हम हवा में रख देंगे जिससे ये थोड़ी अच्छे से जम जाए। 1.5 घंटे तक हवा में रखने के बाद अब ये थोड़ी अच्छी तरह से जम चुकी है। अब इसे हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे और इसे प्लेट में सर्व कर देंगे।
फ्रेंड्स बड़े ही हल्के हाथों से आप इसे कट करिए। अब इस बर्फ़ी को हम एक अच्छी प्लेट में सर्व कर देंगे। फ्रेंड्स इसके ऊपर हम थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स हमने 3 से 4 बादाम को अच्छी तरह क्रश कर लिया है और उसे क्रश को हम इस बर्फ़ी पर लगा देंगे और छोटे छोटे बादाम के पीस को काट कर उसे भी इस बर्फ़ी पर लगा देंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारी जो चने की बर्फ़ी है वो अच्छी तरह से जम चुकी है। इसमें हमने कोई भी फूड कलर ऐड नहीं करा है लेकिन फिर भी इसका कलर अच्छा आया है। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये हरी चने की बर्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर बने रहें और एक नई रेसिपी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।